Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. Today we are going to discuss the another part that is set 2 for your upcoming MNS 2021 examination. In this video, we are going to discuss all the important questions from your history section. So let's start. The first question is, arrange the following इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पे आपको अरेंज करना है. एंड ऑप्शंस आर तुगलक, लोदी, सैयद, इब्राहिम तुगलक एंड खिलजी. सो द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बिपिन चंद्रा पाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय. इसमें आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में, सी दिल्ली सल्तनत जो आपका था, इसको मैं शॉर्ट में DS लिख रही हूँ, इसके अंदर 5 डायनेस्टी बनी थी. ठीक है, उसमें आपकी थी सैयद, लोधी, लोधी हो गई आपकी, तुगलक हो गई, ये सारी की सारी डायनेस्टी इसके अंदर थी. ठीक है, तो अब आपसे इसमें पूछा है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, किसने इसको फाउंडेड किया था. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज़ बहलोल लोधी. नेक्स्ट है, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय. हर्षवर्धना आपका लास्ट किंग था एंशियंट हिस्ट्री में, तो इसको किसने डिफीट किया था, किसने इसको हराया था. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, नरसिम्हा वर्मा पल्लवा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब कौन सा इसमें से इलिटरेट था वो आपको बताना है. ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर एंड औरंगजेब. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट. ये गवर्नमेंट ब्रिटिश की दो पॉलिसीज थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट. तो इसमें आपको पूछा है कि कौन इसका गवर्नर जनरल था जो पूछा गया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6-1 आपका. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्या कोर्ट वॉज. किसको सेंड किया था. कौटिल्या, सालुसियस निकेटन, मेगस्थनीस एंड जस्टिनस. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज मेगस्थनीस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना इसका आंसर. नेक्स्ट, द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वर गिवन बाय. ये किसने दिया था आपका बैक टू वेदास. ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, राजा राम मोहन रॉय. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज. देखिए, साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था, तो जैसे ही आया था तो इसके साइमन कमीशन गो बैक के नारे लेके इसको बॉयकॉट कर दिया था. क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, सारे के सारे जो थे, जो भी इसके मेंबर बनाए गए थे वो ब्रिटिशर्स ही थे. तो ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वॉज इंग्लिश. तो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट. कौन है जिसने ऐसा बोला था. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, नेल्लोर. नेक्स्ट, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड द एनलाइटमेंट. कौन सा प्लेस था जहाँ पे बुद्धा को आपका एनलाइटमेंट मिला था. तो ये आपको आंसर पता होगा बी, बौद्ध गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 13 का सी, दैट इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने किया था ये. ठीक है, इसके एडिटर थे. नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. 3 राउंड टेबल टोटल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी. ठीक है, तो बताना है कि किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, B.R. अम्बेडकर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर सैयद अमीर अली, मौलवी चिरगा अली, सर सैयद अहमद खान एंड लास्ट इज अब्दुल हलीम सरार. सो द करेक्ट आंसर इज, दिस क्वेश्चन इज सी, सर सैयद अहमद खान. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. वन टाइम मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से. लास्ट क्वेश्चन था आपका अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर सर सैयद अहमद खान. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, मेरे साथ साथ याद करते जाइए, B.R. अम्बेडकर. यंग इंडिया और हरिजन के फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी. कौन सा प्लेस था जहाँ पे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था, बौद्ध गया.
श्रिम कैपिटल ऑफ इंडिया इज नेल्लोर, एंड कौन थे जिन्होंने नेशनल रिवोल्ट बताया था, देरेसलाई, एंड साइमन कमीशन को क्यों बाइकआउट कर दिया था, बिकॉज उसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे इंग्लिश थे, बैक टू वेदास किसने गिवन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था, करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीस, ठीक है, डॉक्ट्राइन एस लेप्स ई डॉलॉजी हैं आपके, इलिटरेट कौन थे, अकबर थे, एंड हर्षवर्धना इज द लास्ट किंग ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, इसको किसने किया था, नरसिम्हा पल्लवा ने, लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी, बहलोल लोधी ने, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी थी, उसमें से एक डायनेस्टी आपकी लोधी डायनेस्टी है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड किया था, बिपिन चंद्रा पाल ने, एंड इसको आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से हैं, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका डी, तो आई होप आपको ये इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे, स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।